सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिलहाल दो चार दिन की तरह शाम के 5 बजे से, 5 बजे नहीं 6 बज गए हैं सुबह शाम। आजकल पूरा दिन भर आजकल गर्मी में निकल जा रहा है, हिम्मत ही नहीं आ रही है कि आप थोड़ा भी तैयार हो या फिर कोई भी ऐसे काम करें जिसमें कि आपको अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि बिल्कुल घर में पैक होके हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी मेरे शाम के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जो ये चेहरे पे चमक आ रही है ये डूबते हुए सूरज की आ रही है, इसीलिए चेहरा अभी चमक रहा होगा। और गौरी का चेहरा तो इसलिए ऐसा वर्क है क्योंकि ये अभी सो के उठ रही है हमारी नादान सी गौरी, और आपको मिलाते हैं देवी का। नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त हो, हम भी मस्त है। अगर आपको मोनिका मौसी की ब्लॉग अच्छी लगती होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज, जैसा आप पहले सपोर्ट करते हो वैसा और सपोर्ट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मोनिका मौसी की ब्लॉग बहुत अच्छी लगती है, वो उसको सपोर्ट करते रहना। हाँ तो बताओ कहाँ जा रहे हो अभी? आज हम मॉल ऑफ पैसिफिक जा रहे हैं। पैसिफिक हम लोग जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। हाँ जैसे कि हमारा हर दिन का प्लान है कि हम सुबह उठ के बोल रहे हैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि शाम हमको दिन के टाइम पे ऐसी नींद आ जा रही है, और जब उठ रहे हैं तब सीधे टाइम 6:30 ही हो रहा है, जैसे आज भी हुआ और कल भी हुआ था, इसलिए हमारा प्लान खत्म हो गया वहाँ जाने का। लेकिन फिर भी हम आसपास के मार्केट जाएंगे, ठीक है, घंटे घर तक तो जाएंगे, ठीक है, वो उसके नजदीक है, और मॉल जाने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए तो वो कल जाएंगे, ठीक है। कब कल जाना है? हाँ हाँ कल जाना है। मोनिका मौसी कितनी अच्छी लग रही है, उसे परसों मैंने देखा था, आपने बहुत कमेंट डाले थे, तो आज भी कमेंट व्यूज लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना प्लीज। मोनिका मौसी अच्छी लग रही है तो इसलिए करना। हाँ जो नहीं लगेगा लोग उसको नहीं करेंगे। शाम के टाइम पे घर से बाहर निकलने में मेरे को तो एक यही चिंता होती है कि हमें शाम के टाइम का देहरादून सिटी का एक ट्रैफिक सहन करना होता है। मतलब आप मेन एक ऐसी जगह जा रहे होते हो, मतलब पल्टन मार्केट घंटाघर, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब मुझे लगता है पूरे देहरादून का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम के टाइम पे, तो वो क्रॉस करना एक सबसे बड़ी चुनौती सी लगती है मुझे। तो अभी हम लोग जा तो रहे हैं स्कूटी लेके, तो देखते हैं कितना कितना ट्रैफिक होता है। बच्चे शाम को खेलते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे, इसलिए यहाँ पहले आते थे दिन के टाइम में, इसी नहीं आती थी क्योंकि ताकि इनका मुँह काला ना हो जाए। खाली सुबह ही आते हैं कुछ चार बच्चे खेलने के लिए बैट बॉल, तो शाम को इतनी भीड़ बना देता है, तो रात को तब आते हैं, जैसे रात के 11-12 बजे वॉक करने की जरूरत है थोड़ा बहुत पेट को काम करने के लिए। बाय गौरी, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। एक ही बार मैं चूज कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं 3-3 जगह चलेगी, शायद इसके बाद कहीं और भी, लेकिन अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। क्या देखा आएगा उस पे? जगह गए और मतलब और जगह तो हमको पसंद आए नहीं क्योंकि चॉइस नहीं थी, जूडियो ट्रेंड्स और जो भी चीजें थी 2-4 मैक्स वगैरह, लेकिन बीबा में चीजें पसंद आई, लेकिन वो बहुत महंगा ब्रांड है, मतलब बहुत ही महंगे 5-7 हज़ार से नॉर्मल रेट है उन लोगों को, मतलब हल्के सूट के भी। तो एक सूट हम लोग ज्यादातर पहन नहीं पा रहे हैं, 2 दिन पहनो तीसरे दिन हो जाता है कि नहीं यार बहुत पहन ले तो क्या फायदा है इतना महंगा लेके, तो इसलिए यहाँ से हम लोगों ने लिया ही नहीं। क्या करें, चले वापस? हाँ क्या करें, ये लो
तो मैं तो खा नहीं रही, लेकिन देविका कह रही है कि उसे मोमोज खाने हैं, तो कुछ दिन के लिए आई है, उसको खाने दो। तो यहाँ पे कौन आया है? जब मैं घर में आई तो कोई घर में नहीं था, एक एक करके आने लग गए हैं। अच्छा, सूरज तो जा रखा था सब्जी लेने के लिए, और आज सूरज के पास दे रही है हमने खाना बनाने की ड्यूटी। ठीक है, तो सूरज क्या बनाने वाला है आज? पनीर। ओहो, तो आज बनाएगा सूरज। तो मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। ये कहाँ से है? पता नहीं, जवाब तो सच बता। नहीं पता रे। ये यहाँ पे कैसे मिला? मतलब ये यहाँ पे रखा हुआ था। बेचारे ये वाले एयरफोन मेरे 6-6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। फिलहाल तो ये 2-3 महीने से गायब हो रहा था, मतलब मेरी सगाई से लगभग 1 महीने पहले की वो बात रही होगी जब ये गायब हो गए थे। और अचानक ऐसा भी नहीं है ये कहीं खोता है, मतलब मैं रात को जिस दिन मुझे ये लास्ट याद है, मैं सो रखी थी और मेरे बगल पे मैंने सोने से पहले कुर्सी में इसको रखा था, ये गायब हो गए, और आज मुझे अचानक ये फ्रिज के ऊपर रखे हुए मिले। अब मम्मी को पूछूंगी ये मिले कहाँ। नहीं 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 मुझे तो इसी पे शक होता है, पिछले 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने छह महीने तक मैं वहां थी, मतलब 6 महीने तक ये गायब हो रखे थे बीच में। और आजकल मैंने इसको ऑर्डर भी किया, मतलब जो सेल चल रही थी मिंत्रा पे, हमने इसको ऑर्डर भी कर रखा है। ये 1 या 2 दिन में, मतलब शायद आज आने वाला था या कल आने वाला है, देखना। अब कैंसिल तो करेंगे नहीं उसको, देखेंगे मतलब रिटर्न करेंगे बाद में। पर ये बेचारे बहुत अच्छे हैं यार। यही एक ऐसी चीज होगी जो इतने टाइम तक मेरे पास है, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ भी चीज हो, मतलब इसके अलावा कोई चीज इतने लंबे टाइम तक रही नहीं। मैं अगस्तमुनी में रहती थी तब का है ये, मतलब, और अभी तक चल रहा है, और खराब भी नहीं थी, इतनी अच्छी आवाज थी इसकी, फूटा वो ऊपर से नीचे गिरा, फिर इसको ठीक कराया, बहुत, मतलब बहुत अच्छा है ये। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी रात की टाइमिंग, अभी हो रहे हैं रात के 10:30, मैं 10:23 हो रहे हैं, मम्मी बना रही है वहां पे खाना। और ये देखो, अब आ रहे दिन रात को, कहाँ थे तुम लोग अभी तक? कहाँ थे अभी तक? नीचे घर उन्होंने, तब मैंने सूरज को भेजा कि जाओ इनको लेने जाओ, और दूसरी को पूछती हूँ मैं, है मम्मी ये है इनके हाल, क्या करे। मम्मी भी इतनी देर में आई कि 10:30 बजे रोटी बना रही है, वो भी अब इतनी देर में, सब लोग बाहर हवा खा रहे हैं, हवा चल भी नहीं रही है वैसे बाहर। ए दिखाओ सूरज को, इतने आवाज दे रहे थे, कहाँ थे तुम लोग? हाँ वो तो ठीक है, यहाँ सेफ्टी है, वरना तो इनको पता नहीं क्या ही हो जाता। नमस्कार, कैसे राम, कैसे हैं? दिन खत्म हो बैठी, अब होते नमस्कार। हाँ वही तो, एक सेकेंड ना रुक जाओ, क्या बोल रहा? बंद करो इनको, सजा तो सजा, क्या बोल रहे हो? मैं ठीक है, एंजॉय करो, एंजॉय करते हैं, बनाओ बनाओ रोटी, तुम भी करो। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वैसे मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, सूरज ने सब्जी बनाई, मम्मी ने रोटी बनाई। या हम तो एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम वीडियो में आएंगे या तो हम रोटी बनाएंगे। तुम बताओ हम क्या करें। हाँ, कहाँ थे भाई तुम लोग? कोई होश नहीं है तुमको घर वर आने की? क्या तुम नावल दी हमने सुनी नहीं, तुम नावल दी हमने सुनी नहीं, क्योंकि हम उधर पे खेल रहे थे, इधर पे खेल रहे थे। इतना तुमको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए, लोग जो बाहर घूम रहे हैं वो खाना खा के आ चुके हैं। हाँ क्यों डरा रहा इसको? खोल ना दरवाजा, क्यों डरा रहा? इस सूरज को कमेंट में गंदी गंदी डालने के बहुत बिगड़ा है, इसको तमीज ही नहीं है बच्चों। क्यों क्यों बार बार देखो बच्चा का परेशान करते रहते हैं, गंदा गंदा। हाँ मामा बोचा क्या करते रहते हैं वो बता बता। मामा ना जब देखो ना रात को जब हम सोते हैं ना, जब देखो मैं पकड़ के जबल बन करके डराते रहते हैं बाबा, तब बाबा निकालते हैं भूत की। अरे हम डर जाते हैं, तभी तो हम गंदा मारते हैं। उससे अच्छा साहिल मामा है। हाँ साहिलो, साहिलो में क्या करता है? साहिलो में डराता भी नहीं है क्या? वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। हाँ याद नहीं तो भी कुछ है बता, कौन अच्छा है? हाँ गौरी बता कौन अच्छा है? अरे मामा कैसे बता, जल्दी बता बता, ही हिम्मत कर बता बता, अच्छा है कि गंदा? बता 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 मामा, अच्छा है कि गंदा? गंदा है।
तो चलिए फिर समय आ चुका है आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। और कई लोग पूछ रहे थे कि ये शॉपिंग आप जो करते रहते हो, मतलब किस चीज की शॉपिंग है, शादी की शॉपिंग करने लग गए हैं। मतलब शादी में अभी 3-4 महीने हैं, वैसे प्रॉपर 3-4 महीने का टाइम है, लेकिन शॉपिंग तो स्टार्ट हो ही जाती है। तो जो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब ऐसा है कि एक ही टाइम पे क्या क्या पता अच्छी चीजें ना मिले या फिर कोई उतना पसंद की ना आए, तो जब भी मैं मार्केट जाती रहती हूँ इक्का दुक्का चीजें लेती रहती हूँ उसी टाइम के लिए। तो हाँ, मेरी धीरे धीरे शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।